किसी नज़र से ही नहीं देखते, हमें तो थोड़ा सा दुख हो रहा है। ये फैसला वापस लिया क्योंकि दिन में हमने ये कहा था कि भाई बच्चों को जीन्स टॉप पहनाएं और थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को भी इसी ड्रेस में ले आए, वो भी पहन लें। ये तो पहले तो बड़े पहनेंगे, जो प्रदेश के आइडियल हैं वो पहनेंगे, जो प्रदेश के मुखिया हैं वो पहनेंगे, उसके बाद और लोग पहनेंगे, बच्चे पहनेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम अपने योगी जी को भी जीन्स में देख लेते तो अच्छा लगता। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और नॉन केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर होते हैं। इस पर बड़ा विवाद हो रहा है कि गवर्नर का क्या रोल है इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के मामले में। दिल्ली के मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अति कर दी, और ये अति करने की उसकी हैसियत नहीं थी। एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम की यह हैसियत नहीं है कि वो किसी राज्य के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, कैबिनेट को, जनता को जिन्होंने वोट देकर चुना हो, और ऐसी सरकार जिसको 99% एतमाद जनता का हासिल हो, उसको अपमानित करने का अधिकार एक सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम को नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया। ये पाप कराया भारत सरकार ने, ये पाप कराया उस राजनीतिक दल ने जिसकी भारत सरकार है। इसमें सीधे इल्ज़ाम आता है प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट पर, इसमें सीधे इल्ज़ाम आता है भारतीय जनता पार्टी पर। और मैं तो राय देना चाहूँगा, चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो उन तमाम लोगों को भी पुलिस ने मुलजिम माने और उनके बाइट्स पेश करें जिन्होंने एलजी के फैसलों को सही कहा, जिन्होंने हर बाइट में चीफ मिनिस्टर को ज़िम्मेदार ठहराया, दिल्ली की बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहराया, और जो अपमान किया दिल्ली की जनता का, वो अपमान था दिल्ली की सरकार का, कैबिनेट का और चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर का पद हर प्रदेश में बड़ा सम्माननीय पद है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अपमानित किया गया और जिस तरह से इमेज पेश की गई, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, सीधे देश के प्रधानमंत्री को, दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की जनता से और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए।